हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताना हूँ सैमसंग गैलेक्सी में जो गुड लक ऐप होती है दोस्तों, उसके अंदर एक मॉड्यूल होता है नैप स्टार करके, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया है। नए अपडेट के साथ नया कमाल का फीचर उसमें एड ऑन किया गया। और एक्चुअल में ये ऐप क्यों यूज होती है आगे आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ गुड लक ऐप के नैप स्टार ऐप के नए अपडेट के बारे में, जिसमें नया फीचर एड ऑन किया गया है। सबसे पहले बता दूँ कि इस फीचर को कैसे यूज करते हैं और किस लिए ये होता है। तो आपको जाना है सबसे पहले अपने मोबाइल के गुड लक वाली ऐप में चले आना है। गुड लक वाली ऐप में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नैप स्टार का एक नया अपडेट आपको अवेलेबल मिल रहा। जैसे आप अपडेट वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आप देखेंगे इसमें नए फीचर एड ऑन किए गए हैं और ये नया अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट गैलेक्सी स्टोर में जाएंगे तो ये नहीं दिखने वाला। यहाँ नीचे की तरफ आएंगे तो इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया, 18 अप्रैल मतलब कल के दिन रोल आउट किया गया है, जिसका साइज है 5.1.03.32 जिसका थाइड है 13.27 और जिसका वर्जन नंबर है 5.1.0.02। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें क्या नया फीचर एड ऑन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमाइज नेविगेशन बार हाइट फंक्शन हैज बीन एडिटेड टू द बटन सेटिंग, नाउ एडजस्ट द हाइट ऑफ द नेविगेशन बार 2-3 लेवल। आप क्या कर सकते हैं, नेविगेशन का जो बार है ना उसकी हाइट को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे वो आपको बताऊंगा और एक्चुअल में ये वर्क कैसे करता है वो भी बताने वाला हूँ। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ इसको अपडेट, फिर आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे यूज होता है। तो फाइनली दोस्तों ये हो चुका है अपडेट, आप देख रहे होंगे। अब मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ से वापस, यहाँ से ओपन नहीं होगा तो आपको वापस जाना है गुड लक वाली ऐप में और यहाँ पर आपको नैप स्टार को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों नैप स्टार काम कैसे करता है, नैप स्टार का काम ये है, जैसे कि आप यहाँ पर इसको ऑन करेंगे तो ये क्या काम करेगा, जैसे कि अगर आप नेविगेशन बटन को, नेविगेशन अगर गैजेट को यूज करते हैं तो हिंट देगा। अगर आपको हिंट चाहिए हो तो ये आपको गाइड करेगा कैसे करते हैं, अगर नहीं चाहते तो आप उसको ऑफ कर सकते हैं। उसके नीचे आपको बताएगा अलाउ बैक गैजेट इन फुल स्क्रीन, तो जब भी आप फुल स्क्रीन पे हो गैजेट को यूज करना चाहें बैक गैजेट का तो आप यहाँ पर इसको अलाउ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते लाइक वीडियो या गेम कुछ भी खेल रहे हैं तो आप यहाँ पर बंद कर दीजिए। तो जब भी आप फुल स्क्रीन पे कुछ भी वीडियो या गेम या कुछ भी कर रहे होंगे तो बैक स्पेस काम नहीं करेगा गैजेट वाला, तो आप इसको यहां से मॉडिफाई कर सकते हैं या ऑफ या ऑन कर सकते हैं। उसके नीचे आएंगे यहां पर दिया गया है लेफ्ट बैक गैजेट, अगर आपका लेफ्ट हैंड से मतलब आपको गैजेट में चलाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको यहां पर इसकी जो गैजेट की कैपेसिटी है बोल सकते हैं उसका मार्जिन यहां से इंक्रीज कर सकते हैं, ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे से और इजीली उसको यूज कर सके। सेम ऐसा आप राइट हैंड भी कर सकते हैं, तो ये यहां पर उसके सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए आपको दिया गया है। उसके नीचे आएंगे गेजर हैंडल, ये जो नीचे की तरफ आपको मिलता है गेजर हैंडल ये वो है, अगर आप गेजर हैंडल की हाइट कम करना चाहते हैं या हाइट ज़्यादा चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको एडजस्ट कर सकते हैं गेजर की विथ को। और नीचे की तरफ आएंगे तो उसकी आपकी कैपेसिटी को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक कितना डार्क हो कितना लाइट हो उसका कलर कौन सा रहो, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया नॉर्मल अगर आप स्वाइप गैजेट यूज करता है। मेन काम जो इसका अच्छा है नैप स्टार मतलब नेविगेशन स्टार जो कि है कीबोर्ड से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको बटन के लिए पहले क्या करना होगा, अपने पहले तो आपको अपने उसको गैजेट को ऑफ करना होगा और नेविगेशन को ऑन करना होगा, सॉरी बटन्स को ऑन करना होगा। तो ये मेरे बटन्स ऑन हो चुके हैं, अब ये बटन ऑन हो गए हैं। वापस अब मैं उसी ऐप में आ जाता हूँ नेविगेशन स्टार में, तो अब यहाँ पर आ गया हूँ, यहाँ पर मैंने उसको ऑन कर लिया। यहाँ पर ऑन करने के बाद आपको पहले तो यहाँ पर प्री डिफाइंड यहाँ पर ये मिल जाएंगे बहुत सारे, और नीचे आपको शो हाइट्स बटन मिल जाएंगे, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहले जाना है न्यू कॉन्फ़िगरेशन पे। न्यू कॉन्फ़िगरेशन के मतलब कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करना चाहते हैं, लाइक उसकी ट्रांसपेरेंसी कैसी रहो, ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा जैसा भी करना चाहे आप उसको एडजस्ट कर लीजिए। उसका आइकन का कलर कैसा रहा हो, डार्क हो कैसा हो, वो यहाँ पर आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे बटन का लेआउट कटाओ, राइट लाइन लेफ्ट लाइन ऐड बटन, ये जो भी आपको चाहिए हो आप उसको बटन के लेआउट को चेंज कर दीजिए। बैकग्राउंड कलर कैसा रहा है वो आपको चेंज करना हो तो वो यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं, बस इतना यहाँ पर आप चेंज आउट कर सकते हैं। इतना चेंज करने के बाद बैक आएंगे यहाँ से, यहाँ से आपको क्लोज बैक कर देना है। बैक करने के बाद नीचे आएंगे तो नीचे मिलेगा आपको शो एंड हाइड बटन वाला ऑप्शन, शो कि मतलब कि ये जैसा कि आप दिख रहे हैं ये बटन आ रहा है आपको दिख रहा है ये शो हो रहा है, अगर आप नहीं चाहते शो तो आप उसको थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो वो वहाँ पर बंद हो जाएगा।
आपको उसको डबल टैप करना है और वो बंद हो जाएगा, और अगर आपको उसको वापस देखना है तो आप ऊपर से स्वाइप करेंगे वो आ जाएगा, और डबल टैप करेंगे तो वो वहाँ पर्स फ्रीज हो जाएगा, और अगर आप उसको चाहते हैं नीचे करना वापस डबल टैप करिए वो नीचे चला जाएगा, तो वो इसलिए होता है। और शो ऑन होम स्क्रीन पे शो हो या ना हो वो इसलिए है। और मेन चीज़ यहाँ पर जो एड ऑन की गई है वो ये है, जैसा कि आप देख रहे हैं वहाँ पर लिखा था कस्टमाइज नेविगेशन बार हाइट, तो अभी इस नए अपडेट में ये चीज़ यहाँ पर एड ऑन की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसकी हाइट मैक्सिमम लेवल तक है, आप देख सकते हैं, तो इसको 3 स्टेप में कर दिया गया। आप इसको कम करना चाहते हैं और कम करना चाहते हैं तो उसकी विथ कम हो गई है, जिससे आपकी स्क्रीन जो है स्क्रीन का साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गया। आप देख सकते हैं जैसे पहले ऐसा रहता था, तो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन गैजेट को यूज़ नहीं करते, सिर्फ की को यूज़ करते हैं, तो आप उसको बहुत ही ज़्यादा छोटा कर सकते हैं, जिसको आप इजीली हैंडल मतलब यूज़ कर सकें। लाइक मैंने कर दिया है, और अगर अब मैं बाहर आ जाता हूँ तो आप देखें, अगर मैं यहाँ गैलरी में भी आ गया, कहीं भी आ गया, तो आपको बिल्कुल छोटी सी स्क्रीन मिलने वाली है जिसको आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लगा भी रखा है, आप देखेंगे तो वो इस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। तो दोस्तों यही नया अपडेट था नेविगेशन स्टार में, जिससे आप बटन को यहाँ पर बटन की जो विड्थ है उसको कम ज़्यादा यहाँ पर आप कर सकते थे। तो यही नया अपडेट इसमें दिया गया था। उम्मीद है कि दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू दोस्तों। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है उसमें कुछ कमी है तो डिसलाइक भी सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डीएम करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो करना ना भूलें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।